आज हमारे लैब में 14 केस का जांच की गई, जिसमें 245 केस पॉजिटिव आए अपार्टमेंट में, और दिनों दिन सैंपल भी बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर मरीज भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं, और प्रशासन और हॉस्पिटल हमारा प्रशासन पूरा लगा हुआ है आगे बढ़ोतरी करने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए। कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आज आए हैं, तो आगे कुछ और बेड बनाने की अभी कोशिश जारी है। तो सर कितनी मौतें हुई है और आज कितने डिस्चार्ज किए गए? आज 5 मौतें हुई थी आज पिछले 24 घंटे में, और 138 लोग डिस्चार्ज किए गए। तो सर कितनी राहत की बात है कि एक साथ 138 मरीज डिस्चार्ज? हाँ, 100 बहुत बड़ी राहत है, लेकिन पॉजिटिव केस से एडमिट भी बहुत हो रहे हैं, जिस रेशियो में ठीक हो रहे हैं उसी रेशियो में उससे ज़्यादा रेशियो में मरीज भी आ रहे हैं, इसलिए दोनों काफ़ी अभी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लिए अभी भी हमारी दिक्कत है। तो सर लोगों से क्या अपील करेंगे कि अभी अब और कितने सावधान हो जाएं? लोगों को तो दिनों दिन सावधानी और ज़्यादा रखनी, क्योंकि अभी पॉजिटिव ज़्यादा हो गए तो हमारे चारों तरफ पॉजिटिव केसेस घूम रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं, और जहाँ भी जा रहे हो हर आदमी, हर दूसरा या तीसरा चौथा आदमी पॉजिटिव है, इसलिए अपने आपको संभाल कर रखें, घर में रहें और बाहर जहाँ जरूरत है बिना जरूरत बाहर नहीं निकले, और सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। सरकार की जो गाइडलाइन है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उनकी पालन करना बहुत ज़रूरी है।